नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। पांच बजे की पांच बड़ी खबरों का रुख करेंगे। सबसे पहले उत्तराखंड का रुख करेंगे, जहां पर उत्तरकाशी में आज बड़ा हादसा हो गया है। यहां द्रौपदी का डंडा टू पर्वत चोटी पर हुए हिमस्खलन में करीब 29 ट्रैकर्स फंस गए हैं। इसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना ने रेस्क्यू अभियान चलाया है, तो वहीं हादसे में कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। भारतीय वायुसेना ने फंसे हुए ट्रैकर्स के रेस्क्यू के लिए 2 चीता हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया है और बताया जा रहा है कि 8 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक उत्तरकाशी के द्रौपदी के डांडा 2 पर्वत चोटी पर यह हिमस्खलन हुआ है और इसमें नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के कुल 29 पर्वतारोहियों के फंसे होने की खबर है। अभी तक 8 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि एनआईएम की टीम के साथ जिला प्रशासन और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। भारतीय एयरफोर्स ने 2 चीता हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं ताकि जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके। चीता हेलीकॉप्टर की पूरे फ्लीट को स्टैंड बाई मोड पर रखा गया है। तो हिमस्खलन में 29 ट्रैकर्स फंसे होने की खबर सामने आई है। 8 लोगों को रेस्क्यू कर उन्हें सकुशल निकाला जा चुका है और कई लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैतुरा हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अभय, जिस तरीके से यह हिमस्खलन हुआ है, बताया जा रहा है कि 29 लोगों के फंसे होने की जो खबर सामने आई है, 8 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा चुका है, क्या कुछ खबर पर और जानकारी है? तो बिल्कुल, ये कहें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी से बड़ी खबर है और अब तक के उत्तराखंड में ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एवलॉन्च यहाँ पर आ रहे थे, अभी तक केदारनाथ में पिछले 15 दिनों में 3 एवलॉन्च आने की सूचना थी, लेकिन आज उत्तरकाशी में जो द्रौपदी डांडा जो चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग आप कह सकते हैं कि 5000 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई, यानी 16000 फीट से ज़्यादा की इसकी हाइट है, वहाँ पर ये एवलॉन्च आया, यानी हिमस्खलन वहाँ पर हुआ है, जिसमें अभी तक भी जो 29 जो प्रशिक्षक वहाँ फंसे हुए थे उनमें से 8 को अभी तक रेस्क्यू कर लिया गया है। ये कह सकते हैं कि 22 सितंबर से एक कैंप वहाँ पर चल रहा था, जो प्रशिक्षक वहाँ पर ये कह सकते हैं ट्रेनिंग के लिए आए थे, उनका कैंप वहाँ पर चल रहा था, बेस कैंप बनाया गया था और आज सुबह द्रौपदी डांडा की चोटी पर उनका प्रशिक्षण वहाँ पर चल रहा था। उसमें से ये कह सकते हैं कि जो पूरी जो संख्या थी वो 175 की संख्या बताई जा रही है, जिसमें प्रशिक्षक भी शामिल थे, यानी 122 नए कोर्स के बच्चे थे जो अभी सीख जो वहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आए थे, उनके साथ उनके 44 जो ट्रेनर थे, यानी जो प्रशिक्षक जो शिक्षक थे वो भी मौजूद थे। इसके अलावा वहाँ पर 75 ऐसे थे जो एडवांस कोर्स करने के लिए आए थे, उसमें से 29 उनके वहाँ पर ट्रेनर मौजूद थे। 175 में से जब एवलांच आया तो 175 में से 29 लोग वहाँ पर फंस पाए थे और ये एक पूरा सा दर्रा है जिस दरार में ये लोग फंसे हुए हैं। वहाँ से 8 लोगों को अभी तक रेस्क्यू करने की सूचना प्राप्त हो पाई है, जिसकी पुष्टि जिला प्रशासन वहाँ पर कर चुका है, आपदा प्रबंधन टीमें वहाँ पर कर चुकी है, लेकिन जो सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है वो यही कि लगातार उस क्षेत्र में बर्फबारी हो रही है, दुर्गम क्षेत्र है, ऊंचाई ज़्यादा है, ऐसे में वहाँ पर बर्फबारियों के चलते जो मुश्किलें हैं वो लगातार वहाँ पर बढ़ रही है, रेस्क्यू करने में सबसे बड़ी मुश्किलें वहाँ पर पैदा हो रही है। जिला प्रशासन की टीमें वहाँ पर लगातार रेस्क्यू करने का प्रयास कर रही है, नीम की टीमें वहाँ से रेस्क्यू करने का प्रयास कर रही है, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ साथ जो आईटीबी की जो प्रशिक्षण वाली जो टीमें वहाँ पर है वो लगातार रेस्क्यू करने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला जो मौसम वहाँ पर बना हुआ है, लगातार बारिश और बर्फबारी जो हो रही है वो सबसे बड़ी रेस्क्यू में बाधा बनकर उभर कर सामने आ पा रही है। और उन सब चीज़ों को देखते हुए कहा जा सकता है कि अगर जल्द से जल्द मौसम साफ नहीं हो पाता है, रेस्क्यू काम शुरू नहीं हो पाता है, तो फिर जो वहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं उनकी जिंदगी और मौत से जो ये कह सकते हैं कि जो मुश्किलें होंगी और बढ़ती हुई नजर आएंगी। ये कह सकते हैं कि अभी तक जो 400 जो प्राप्त हुए हैं उन शवों की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो लोग कौन थे, क्या ट्रेनिंग थे या प्रशिक्षक थे, लेकिन इतना जरूर हो पाया है कि जो सैटेलाइट से अभी तक का जो संपर्क उस स्थान पर हो पाया है, जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, 21 लोग जो फंसे हुए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चार जिनके जो शव वहाँ पर प्राप्त हुए हैं उनको वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन अभी भी जो दुर्गम जो परिस्थितियाँ वहाँ पर बनी हुई, विषम जो परिस्थितियाँ बनी हुई है, वो रेस्क्यू कार्य में सबसे बड़ी बाधाएं बन रही थी। लेकिन जिस प्रकार से कह सकते हैं कि अचानक से ये बर्फीला तूफान वहाँ पर आया और
और उसके बाद जो परिस्थितियां वहां पर उपजी है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में और मुश्किलें वहां पर बढ़ सकती है, क्योंकि मौसम विभाग लगातार बारिश और बर्फबारी होने की जो चेतावनी जता रहा है। लेकिन इसके साथ ही अभय सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पिछले 12 दिनों को देखें तो 12 दिनों के अंदर यह तीसरा अवलांच है, क्योंकि इसके पहले 1 अक्टूबर और उसके पहले 23 सितंबर को भी ऐसी स्थिति देखने को मिली थी। जानकारों या विशेषज्ञों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ जानकारी दी जा रही है इस पूरे मामले को लेकर के? बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि इंडिया वाइज ने खुद जो भूगर्भ वैज्ञानिक हैं उनसे यहाँ पर बातचीत करी है, मौसम वैज्ञानिकों से बातचीत करी है, और उन्होंने साफ तौर पर इस बात का अंदेशा जाहिर करा है कि अभी शुरुआती जो हिमपात हुआ है, यानी जो मौसम बदलने के बाद, यानी जो मानसून जो सीजन समाप्त हुआ है, मानसून सीजन के बाद जो हल्की बारिश वहाँ पर हुई है उसका पहला हिमपात, और पहले हिमपात में ही जिस प्रकार से वहाँ पर ये एवलांच वहाँ पर आए हैं, चाहे वो केदारनाथ के चोराबाड़ी ग्लेशियर का हो या फिर आज उत्तरकाशी के द्रौपदी डांडा का ये एवलांच जो आया है, ये सीधे तौर पर इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि अगर इसी तरीके से मौसम परिवर्तन होता रहा, जलवायु परिवर्तन होते रहे, तो फिर आने वाले दिनों में और इस तरह की घटना यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने साफ तौर पर कहा है कि अभी भी उत्तराखंड में जो मौसम है वो आने वाले दिनों में, ये कह सकते हैं कि 48 से 96 घंटे जो होंगे उत्तराखंड के लिए वो काफी दुश्वार यहाँ पर होने वाले हैं, क्योंकि मौसम इस दौरान और यहाँ पर अपना रूप दिखाएगा, जो प्राकृतिक जो प्रकोप होगा वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। रेड अलर्ट भारी बारिश का लेकर यहां पर जारी किया गया, तो कह सकते हैं कि मुश्किलें और बढ़ती नजर आएंगी। ऐसे में रेस्क्यू काम जल्द से जल्द शुरू करने की कोशिश वहां पर की जा रही है, ताकि जो लोग फंसे हुए हैं, जो प्रशिक्षु वहां पर अभी 21 जो फंसे हुए हैं, उनको सकुशल बाहर निकाला जा सके। जी बिल्कुल, चलिए अभय आप नजर बनाए रखिए, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो रेस्क्यू में जुटी हुई है पूरी टीम। रोक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। आज सीएम योगी राजसी वेशभूषा में गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे थे। आज नवरात्रि की नवमी पर सीएम योगी ने विधि विधान से कन्या पूजन कर मात्र शक्ति की आराधना की। मां दुर्गा के नौ स्वरूपों के प्रतीक नौ कुंवारी कन्याओं के पांव पखारे, चुनरी उड़ाई, आरती उतारी, श्रद्धा पूर्वक भोजन कराया, दक्षिणा और उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने परंपरा का निर्वहन करते हुए बटुक पूजन भी किया। उसके बाद सीएम योगी ने गोरक्ष पीठाधीश्वर की विशेष परिधान में सीएम योगी ने पेट की परंपरा का अनुसरण करते हुए मंगलवार सुबह 9 बजे से विधि विधान पूर्वक श्रीनाथ जी की पूजा अर्चना की, और इस विशिष्ट पूजन की शुरुआत गोरखनाथ मंदिर में शक्तिपीठ से हुई, जहां नवरात्रि प्रतिपदा से अनुष्ठान चल रहे थे। शक्तिपीठ में वेदी पूजन की पूजनोपरांत सीएम योगी मंदिर के अन्य साधु संतों के साथ संस्कृति विद्यापीठ के आचार्य गण और वेद पाठी छात्रों के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रीनाथ जी की मुख्य मंदिर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने विधि विधान तरीके से पूजा की और आरती उतारी। सीएम योगी ने मंदिर में प्रतिष्ठित सभी देवी विग्रहों का विशिष्ट पूजन किया। मुख्यमंत्री ने करबद्ध होकर श्रीनाथ जी और सभी देव विग्रहों की परिक्रमा भी की। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष शाही सीधे गोरखपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष, मुख्यमंत्री अगर योगी आदित्यनाथ का जिक्र करें तो आज जिस तरीके से उन्होंने पूरे परिधान में कन्याओं का को भोग लगाया, कन्याओं से आशीर्वाद लिया, उनके पैर पखारे, पूरी स्थिति क्या कुछ है आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं। पूजन का जो कार्यक्रम दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ ही प्रारंभ हुए थे, आज कुमारी कन्याओं के पूजन के साथ जगत जननी माँ भगवती दुर्गा स्वरूपा कुमारी कन्याओं के पूजन का एक कार्यक्रम इसके साथ ही अभी संपन्न हुआ है। बिल्कुल, तो अब सीधे रुख करेंगे गोरखपुर का, जहां से हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री के दिनचर्या देखी गई, क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पठाधीश्वर के रूप में नजर आते हैं, क्योंकि नाथ संप्रदाय की जो परंपरा है विजयदशमी पे जिस तरह से यहाँ पे जुलूस निकाले जाते हैं, जिस तरह से यहाँ पे दंडाधिकारी के रूप में भी आज मठाधीश्वर यानी कि योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे। जितने भी गोरखनाथ मठ से जुड़े पूरे देश में जितने भी संस्थाएं हैं, जो भी साधु संतों का आपस में विवाद आज उसका भी निवारण करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आज
जैसे गोरखनाथ मंदिर से शोभा यात्रा निकलने जा रही है और सीधे मानपुर मंदिर में जाएगी। इस शोभा यात्रा में सबसे मैं आपको बड़ी बात बता दूं कि यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग सबसे पहला स्वागत महंत योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत मुस्लिम समुदाय के लोग करेंगे, कैप्टन जाके अगुवाई में करेंगे। तो ये कहा जाएगा कि सभी जाति धर्म से ऊपर उठ के गोरखनाथ मठ है, गोरखनाथ मठ में जितने भी जाति धर्म के लोग हैं सभी लोग यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सबसे एक और बड़ी बात अहम बात बता दूं कि गोरखनाथ मंदिर में भी पुजारी है, अन्य पुजारी है, सभी हर जाति हर वर्ग के लोग हैं। तो ये कहा जाए गोरखनाथ मठ एक ऐसा मठ है, एक ऐसा मठ है जहाँ पे हर जाति के लोग यहाँ पे मठाधीश्वर हैं और योगी आदित्यनाथ के इस शोभा यात्रा में हजारों की तादाद में लोग अपने घरों से अपने छतों से रोड पे सभी लोग ये दर्शन देखने के लिए लगते हैं और घरों से अपने फूल माला सब कुछ योगी आदित्यनाथ के ऊपर चढ़ाते हैं। बिल्कुल आशीष, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था का अगर जिक्र करें तो किस तरीके से प्रशासनिक अमला बिल्कुल तैनात है और सुरक्षा को लेकर के जो चाक चौबंद है की गई है व्यवस्थाएं वो किस तरीके की देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो ऊपर ड्रोन से लेके यानी कि आसमान से लेके धरती तक सभी जगह पे सुरक्षा व्यवस्था की पैनी नजर है। हर छतों पे तैनात है सिपाही से लेके अन्य कारीगर तैनात है। ये कहा जाएगा कि जितने दूर शोभा यात्रा जानी है उसके अगल बगल के 1 किलोमीटर रेंज को ले लिया जाए तो वहां पे चप्पे चप्पे प्रशासन की नजर है, वो आकाश से लेके जमीन तक हर तरफ से पैनी नजर बनी हुई है। बिल्कुल, और इसके साथ ही जिस तरीके से देखने को मिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद आज जिस तरीके से अभी हमने सुना, उन्होंने कहा कि ना केवल ये 9 दिन बल्कि अन्य दिनों भी हमें बच्चियों का महिलाओं का सम्मान करना चाहिए ताकि एक ना एक दिन आज नहीं तो कल उसका पुण्य उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। ऐसे क्या लगता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में तमाम सारी पिछले दोनों घटनाएं जो देखने को मिली हैं, क्या लोगों के बीच में ये मैसेज जाने का काम करेगा और कितना लोग उस पर अमल करने का काम करेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज पूरे प्रदेशवासियों को एक संदेश दिया है कि मातृशक्ति आज ही नहीं कि नवरात्र पे ही कन्या का पूजन करें, नवरात्र पे ही बेटियों को केवल पूजा जाए, ये हर जगह होना चाहिए, हर समय होना चाहिए। इसके लिए नवरात्रि नहीं है। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो उन्होंने अधिकारी अमलों को भी किया है कि जहां जहां पंडाल है जहां जहां दुर्गा जी की मूर्ति लगी हो वहां भी सुरक्षा व्यवस्था टाइट हो, वहां पे कोई घटना दुर्घटना ना हो जाए। तो ये कहा जाएगा प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखनाथ पीठाधीश्वर लगातार बने हुए हैं कि किसी तरह के कहीं भी आहत ना हो पाए और जो नाथ संप्रदाय की जो परंपरा है उसे योगी आदित्यनाथ जी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ जी परंपराओं को निभाते चले आ रहे हैं और आज जिस तरीके से जो तस्वीरें गोरखपुर से सामने आ रही हैं, आपने बताया कि किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरीके से अब यात्रा निकाली जाएगी और लोग उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए आशीष। तो लगातार जिस तरीके से आशीष ने बताया कि पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं गोरखपुर में, और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में, रुख करेंगे तीसरी सबसे बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की तबीयत अभी भी नाजुक है। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित मेदांता में भर्ती मुलायम सिंह यादव के ताजा हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अभी भी उनकी तबीयत नाजुक है और वो इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती हैं। विशेषज्ञों की टीम उनके इलाज में जुटी हुई है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती यादव ने मंगलवार को जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक पूर्व रक्षा मंत्री की हालत अब भी चिंताजनक बनी हुई है और उन्हें ICU में दाखिल किया गया है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव मेदांता अस्पताल पहुंच गए हैं और इसके अलावा मुलायम के तमाम समर्थक और नेता भी वहां पहुंचे हुए हैं। वहीं शिवपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव और धर्मेंद्र यादव पहले से ही अस्पताल में मौजूद हैं। इसके साथ ही डिंपल यादव भी अस्पताल पहुंची हैं। मुलायम सिंह यादव की सेहत को लेकर सपा ने भी ट्वीट किए हैं और इस बुलेटिन के मुताबिक विशेषज्ञों की एक टीम यादव की स्थिति पर लगातार निगरानी रख रही है। सपा संस्थापक को सांस लेने में तकलीफ और लो ब्लड प्रेशर की शिकायत पर पिछले महीने अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं मुलायम सिंह को लेकर हेल्थ बुलेटिन जारी, मुलायम सिंह यादव की तबीयत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। प्रियम, अगर ताजा अपडेट की जिक्र करें तो मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य को लेकर के क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए परसों
उस जिस समय एडमिट किया गया उस समय हालत क्रिटिकल थी, अभी भी जो स्थिति है वो काफी क्रिटिकल बनी हुई है, लेकिन कल वो इंसेंटिव क्रिटिकल केयर यूनिट में थे और आज जो है वो इंसेंटिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू में है, कल आईसीयू में थे, तो अब उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, लेकिन अभी भी उनकी जो हालत है वो काफी नाजुक बनी हुई है, लेकिन डॉक्टरों की तरफ का कहना है कि हालत जो है वो अभी स्थिर है। तो अगले घंटे जो है अगले जो वहाँ पर मुलायम सिंह यादव के पास में उनके समर्थकों का तांता जो है वो लगा हुआ है, पहुँचने का जो सिलसिला है वो लगातार लोगों का जारी है, जबकि दोनों ही तरफ से चाहे अखिलेश यादव हो उनकी तरफ से समाजवादी पार्टी की तरफ से अपील की जा रही लोगों से कि नेताजी का जो इलाज है वो एक्सपर्ट डॉक्टरों की मॉनिटरिंग में चल रहा है, लोग जो है वो अस्पताल की और ना आए या अस्पताल ना आए, क्योंकि बड़ी संख्या ऐसी है जो अस्पताल की ओर पहुंच रही जिस वजह से अव्यवस्थाएं फैल सकती हैं, तो ऐसे में उसको ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से ये ट्वीट किया गया कि लोग जो हैं वो अपने अपने जगहों पर ही रहें, नेताजी का इलाज चल रहा है, समय समय पर उनके स्वास्थ्य को लेकर अपडेट किया जाता रहेगा, अभी मौजूदा वक्त में जो स्थिति है वो स्थिर है लेकिन क्रिटिकल है, इस बात का भी साफ तौर पर जिक्र किया गया है। अन्य जो सदस्य हैं परिवार के रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, ये सभी लोग वहां पर उनके पास में मौजूद हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर जो हैं वो लगातार उनको मॉनिटर कर रहे हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर का जो पैनल है वो लगातार उनको मॉनिटर कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन करके बाकायदा जो है उनका हाल चाल जाना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल कल पहुंचे थे अस्पताल में नेताजी का हाल चाल जानने के लिए, तो सभी तरफ से जो है कह सकते हैं कि फोन जा रहे हैं, सभी लोगों ने बाकायदा ट्वीट करके ये कहा जा सकता है कि न केवल समाजवादी पार्टी के नेता बल्कि पूरे सियासी हलके में थोड़ी सी मायूसी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन अगर आम जनता की बात करें या समाजवादी पार्टी के समर्थकों की बात करें या मुलायम सिंह यादव के चाहने वालों का जिक्र करें तो उनकी तरफ से भी लगातार देखा जा रहा है कि पूजा पाठ कर रहे हैं और जल्द ही स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए प्रियम। शारदीय नवरात्र के शुभ मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें आज के दिन हवन कार्यक्रम आयोजित किया गया और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी इस हवन कार्यक्रम में आहुतियां दी। इस दौरान सीएम धामी ने कन्या पूजन भी किया और नौ कन्याओं को भोजन कराया। सीएम धामी ने कहा कि राज्य की खुशहाली के लिए, राज्यवासियों की समृद्धि के लिए उन्होंने माता से मनोकामनाएं की हैं, कन्याओं का पूजन कर माता के कई रूपों की आराधना की ताकि राज्य का विकास हो सके, राज्यवासियों की मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। आज बहुत शुभ दिन है, आज रामनवमी का पर्व है और सभी कन्याओं का पूजन किया है, माँ भगवती का स्मरण किया है, माँ हम सब पर कृपा करें, भगवान की हम सब पर कृपा हो, हमारे राज्य पर कृपा हो, हर प्रकार से विघ्न बाधाएं सारे दोष दूर रहें, प्रदेश की उत्तरोत्तर प्रगति हो, गति बढ़े, उन्नति बढ़े और भगवान की हम सब पर कृपा बनी रहे, उसी के निमित्त आज यहाँ पर हवन पूजन किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैतुरा हमारे साथ इसी खबर पर सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अभय, आज शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजन पाठ किया और कन्याओं का भी पूजन किया, क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी के लिए दोहरी खुशी की बात ये थी कि एक तो जो शारदीय जो नवरात्रे चल रहे थे उसका आज नवमी था, नवमी में कन्या पूजन यहाँ पर किया जाता है, पूजा पाठ यहाँ पर किया जाता है और बीजेपी हर वर्ष की भांति आज के दिन यानी चाहे वो रामनवमी के दिन हो आज हवन का आयोजन यहाँ पर करती है। और पिछले दिनों ये कह सकते हैं कि जो हरिद्वार में जो पंचायत चुनाव में जीत मिली थी उसकी भी खुशी का इजहार यहाँ पर करना था, तो ऐसे में सीधे तौर पर बीजेपी के लिए इस आयोजन का महत्व बड़ा हो जाता था और बीजेपी ने यहां पर हवन कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया, जिसमें पहले सभी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे वो इस हवन कार्यक्रम में यहां पर मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। जो राज्यसभा सांसद थे नरेश बंसल वो इस कार्यक्रम में यहाँ पर मौजूद रहे। पार्टी के वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहे, पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। सभी ने हवन में आहुतियाँ अपनी प्रस्तुत करी है, राज्य की खुशहाली की कामना यहाँ पर करी है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार का एक ही उद्देश्य है कि आम जनता की सेवा यहाँ पर हो सके, जो सरकार की योजना है उन योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल सके। उसके लिए जरूरी है कि राज्य में जो बाधाएं आती हैं, जो विघ्न आते हैं, वो विघ्न माता अपने अपने प्रभावों से दूर करे। उसके लिए आज माता का आह्वान यहाँ पर किया गया था कन्या पूजन के जरिए, यानी जो माता के जो स्वरूप होते हैं उनको यहाँ पर पूजा गया, उनका आशीर्वाद यहाँ पर लिया गया और प्रदेश में खुशहाली और समृद्धि की कामना यहाँ पर की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शरदीय जो नवरात्रि जो होते हैं उसका महत्व होता है और ऐसे में बीजेपी उन सब चीज़ों को लेकर अपने जो पार्टी यहाँ पर करती है उसको लेकर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान किया जाता है कि वो प्रदेश की खुशहाली के लिए माता से अपनी मनोकामना यहाँ पर मांगे और प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज हो सके, आम जनता को उसका लाभ मिल सके, ऐसी कामनाएं माता से वो करें। तो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, सफल ये कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और सभी ने माता से माता के नौ रूपों से यही कामना करी कि उत्तराखंड में जो भी बाधाएं आती है, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हो या फिर दूसरी तरह की जो बाधाएं उत्पन्न होती है, उन सब का हरण वो कर लें ताकि राज्य की जनता खुशहाली रह सके और राज्य में विकास की जो रफ्तार है वो तीव्र गति से आगे बढ़ सके। जी बिल्कुल अभय, लेकिन जिस तरीके से जो वर्तमान की स्थितियां देखने को मिल रही हैं, वो चाहे हम किसी भी क्षेत्र का जिक्र करें, खास तौर पर पैसे के मोह में, पैसे के लालच में व्यक्ति इतना नीचे गिर जाता है। हालांकि अगर जिक्र करें खबर का लेकर के या जो घटना घटी है उत्तराखंड में उसका जिक्र करें, खासा लोगों में आक्रोशित नजर आ रही हैं, महिलाएँ आक्रोशित नजर आ रही हैं। केवल 9 दिन ही माताओं के रूप में माताओं बहनों को ना देखा जाए, बल्कि सभी दिनों को एक समान देखा जाए और माताओं बहनों का सम्मान किया जाए, जिससे जो घटनाएं घटित होती हैं उन घटनाओं पर लगाम लग सके, इसको लेकर के सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है? जब एक ये कह सकते हैं कि जो अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रदेश में पिछले दिनों यहाँ पर घटा था, जिसको लेकर आक्रोश देखने को मिला था, सड़कों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर हो रही थी, उस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व का परिणाम ये रहा कि 24 घंटे के भीतर, यानी राजस्व पुलिस से जैसे ही मामले की जाँच रेगुलर पुलिस के पास आई, 24 घंटे के भीतर रेगुलर पुलिस के द्वारा जो इस अपराध के जो मुख्य आरोपी थे उनको यहाँ पर कस्टडी में लेने का काम किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई यहाँ पर की गई। पुलिस की तरफ से SIT टीम का गठन यहाँ पर किया गया, उस SIT के जरिए जो अपराधी हैं उनसे पूरे जो साक्ष्य हैं उनको जुटाने का काम यहाँ पर हो पाया और जल्द ही इस पूरे मामले पर SIT अपने जो रिपोर्ट है, जो ना केवल दिखावे के लिए कहा जा सकता है कि उत्तराखंड की सरकार लगातार उस दिशा में काम करती भी नजर आ रही है जिस दिशा को वो बात करती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए अभय। और रुख करेंगे अब इस बीच पांचवी सबसे बड़ी खबर का। शारदीय नवरात्रि की महानवमी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मां भगवती के सभी नौ स्वरूपों के प्रतीक नौ कन्याओं का विधि विधान से पूजन किया और अपने हाथ से भोजन कराया। ये आयोजन मुख्यमंत्री के भलाई त्रिस्थित आवास पर हुआ। मुख्यमंत्री ने कन्याओं को तिलक लगाया और फिर आरती उतार कर चुनरी उड़ाई और अंत में दक्षिणा और उपहार देकर उनकी विदाई की। और ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला हमारे साथ फोन सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरीके से आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया मुख्यमंत्री आवास पर, क्या कुछ और कार्यक्रम में पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएं? आवास में कन्या भोज का भी आयोजन, कन्याओं को भोजन करा के बहुत ही मतलब उनको श्रृंगार करके बहुत ही अच्छे ढंग से नवरात्रि का पर्व मनाए उन्होंने और प्रदेश की सुख शांति के लिए माता रानी से दुआ भी की। बिल्कुल, प्रदेश के सुख शांति अमन चैन को लेकर के माता रानी से दुआ की और इस दौरान उन्होंने नौ कन्याओं को भोजन खिलाया, उनके पैर पखारे और इसके साथ ही चुनरी उड़ाई, उनको दक्षिणा देकर के उनकी विदाई की। इस दौरान अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जिक्र करें तो प्रदेशवासियों को क्या कुछ संदेश दिया गया? प्रदेशवासियों के लिए मुख्यमंत्री ने आज के दिन यही संदेश दिया कि नवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से लोग मनाए और साथ ही साथ दीपावली की भी उन्होंने
पहले से ही बधाई दिया। बिल्कुल मनोज, अगर रायपुर का जिक्र करें तो नवरात्रि को लेकर के जिस तरीके से तैयारियां की गई थी, जिस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा था, और अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने खुद ये दी है, बधाई दी है, और उसके साथ ही लोगों से अपील की है, और राज्य के खुशहाली रहने के लिए खास तौर पर माता रानी से उन्होंने ये अगर कहें तो बच्चों से जो नौकन्याएं थी वहां पर उनसे आशीर्वाद मांगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से राज्य में लगातार मुख्यमंत्री विकास के पथ पर आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, ऐसे में वहां की जनता कितना साथ देती नजर आ रही है, वहां की जनता इसको किस तरीके से लेती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री की योजनाएं सभी के लिए बहुत ही, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जमीनी स्तर पे बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं सर यहाँ पे, और पर आपको बताएं कि उनकी कई योजनाएं ऐसी युवाओं के लिए, महिलाओं, खासकर महिलाओं के लिए कई योजनाओं को उन्होंने अपनी बराबर वो खुद अपने जमीनी स्तर पे एक एक चीज की मॉनिटरिंग स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है करते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए मनोज शुक्ला। तो कन्याओं को चुनरी उड़ा करके मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये संदेश दिया है कि माताओं और कन्याओं का हमेशा आदर और सम्मान किया जाए, और आज के दिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कन्याओं के पैर पखारे और उन्हें चुनरी उड़ाने के बाद उन्हें को अपने हाथों से खाना खिलाया और इसके साथ ही साथ उन्हें दक्षिणा देकर के उनकी विदाई की। 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।